हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकंड ईयर एमसीक्यू सीरीज पार्ट वन। ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो भी मैं क्वेश्चंस पुटअप करूँगा, उनमें 1 सेकेंड का ब्रेक लूँगा। उस 1 सेकेंड में आपको कमेंट बॉक्स में बिना आंसर चेक किए आंसर सही आंसर बताना है। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट वन सेशन। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकंड ईयर का, वो होगा व्हाट इज नॉलेज, यानी ज्ञान क्या है। इसके चार ऑप्शंस आपके आगे ये हैं, ए अवेयरनेस यानी जागरूकता, बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु की समझ, सी फेमिलियरिटी यानी परिचित, डी ऑल ऑफ देम यानी ऊपर के जो सारे क्वेश्चन ये भी ठीक हो सकते हैं। सो इनमें से आपको बताना है हुआ कमेंट बॉक्स में कि आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे, यानी जो है राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जिसको भी इसका आंसर पता है। तो गाइस, इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आंसर डी, यानी सभी, ये सभी ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मकता क्या है। इसके भी चार ऑप्शन हैं। इसका पहला ऑप्शन होगा ए अप्रोच इन एजुकेशन यानी शिक्षा में दृष्टिकोण, बी टाइप ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रकार, सी सोर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का स्रोत, या डी नन ऑफ अबव यानी ऊपर से कोई नहीं। तो गाइस, आप मुझे इसमें किसका भी आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है। तो गाइस, इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए अप्रोच इन एजुकेशन यानी शिक्षा में दृष्टिकोण। चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का एक प्रकार नहीं है। तो इसके ऑप्शन चार जो हैं वो हैं ऑप्शन ए प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, बी पोस्टेरियर नॉलेज यानी पीछे का ज्ञान, सी बाइंडिंग नॉलेज यानी बाध्यकारी ज्ञान, या डी टैसिट नॉलेज यानी मौन ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपके लिए वो होगा ऑप्शन सी बाइंडिंग नॉलेज यानी बाध्यकारी ज्ञान। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम, यानी बच्चों से ज्ञान प्राप्त। इसके ऑप्शंस होंगे ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी पेरेंट्स यानी माता पिता, ऑप्शन सी सोसाइटी यानी समाज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऊपर ये सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा बयान सही नहीं है। तो इसमें आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। तो इसके चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लर्निंग इज एक्टिव, सीखना सक्रिय है, बी लर्निंग इज कंस्ट्रक्टिव, सीखने का निर्माण किया है, ऑप्शन सी लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, सीखना चिंतनशील है, या डी लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी सीखना जीवन भर की प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखना जीवन भर की प्रक्रिया नहीं है। तो आ जाते हैं हमारे सिक्स क्वेश्चन पे, जो होगा इंफॉर्मेशन इज जानकारी है। इसके ऑप्शंस होंगे आपके चार, ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन इज स्टैटिक इन नेचर
यानी जानकारी प्रकृति में स्थिर है। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इज कॉम्बाइनेशन ऑफ डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी जानकारी डेटा और संदर्भ का संयोजन है। ऑप्शन सी, द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज ईजी थ्रू डिफरेंट मीन्स, वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स, यानी विभिन्न माध्यमों से सूचना का अंतरण आसान है, यानी मौखिक या गैर मौखिक संकेत। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सही भी, ऊपर के सारे आंसर। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसका भी आंसर, अगर किसी को पता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है यानी जानकारी क्या है। अगर आपको पता है तो आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, अगर आपको नहीं पता तो इसमें आप कमेंट करेंगे तो, या आप गलत भी होंगे तो इससे कोई मैटर नहीं करता है, और आप यहाँ से सीख के ही जाएंगे। सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही जानकारी में उसमें आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा वो होगा, नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अर्थ है। इसके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन ए सीइंग यानी देख, बी टेस्टिंग यानी चखने, सी स्मेलिंग यानी महक, या डी ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी, ऊपर के सारे। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त के सभी। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग, यानी शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। सो इसके चार ऑप्शंस होने वाले हैं, ऑप्शन ए मेक टीचिंग इजी यानी शिक्षा को आसान बनाएं, बी टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, यानी शिक्षण को रोचक समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए, सी टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव यानी शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, या डी टू असिस्ट द टीचर यानी शिक्षक की सहायता के लिए। तो आप मुझे बता सकते हैं कि शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी व्हाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो इस गैस का आंसर जो होने वाला है वो होगा आंसर ऑप्शन बी, यानी टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, यानी शिक्षण को रोचक समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो होगा, व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। इसके चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए परफेक्ट अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए सही अनुकूलन, बी रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों की प्राप्ति, सी सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स यानी मानव की संतुष्टि चाहता है, या डी कल्टीवेशन ऑफ डायनेमिक अडेप्टेबल माइंड विच विल बी रिसोर्सफुल एंड एंटरप्राइजिंग इन ऑल सिचुएशंस, यानी गतिशील अनुकूलनीय मन की खेती जो सभी स्थितियों में साधन संपन्न और उद्यमी होगी। तो गाइस, इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, यानी रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज। करिकुलम इज यानी पाठ्यक्रम क्या है। सो इसके जो चार ऑप्शंस होंगे वो होगा ऑप्शन ए कोर्स पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी सिलेबस, ऑप्शन सी को करिकुलर एक्टिविटीज यानी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, ऑप्शन डी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्था की समग्र गतिविधियां। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन डी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्था की समग्र गतिविधियां। अगला क्वेश्चन हमारा है,
इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द, यानी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में मदद करने के लिए है। इसके चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए एडुकेशन यानी शिक्षा, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, ऑप्शन सी वैल्यूज यानी मान, या ऑप्शन डी जॉब यानी काम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम की प्रकृति है। इसके जो चार ऑप्शन होंगे वो होंगे ऑप्शन ए क्रिटिकल यानी महत्वपूर्ण, ऑप्शन बी क्रिएटिव यानी रचनात्मक, ऑप्शन सी कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी आंसर। तो इसमें से जो पाठ्यक्रम की प्रकृति है वो है ऑप्शन डी यानी क्रिटिकल, क्रिएटिव यानी और कंजर्वेटिव, ये सभी पाठ्यक्रम की प्रकृति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होगा, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ, यानी सिलेबस का एक हिस्सा है। उसके चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी क्लासरूम यानी कक्षा, ऑप्शन सी एक्टिविटीज यानी गतिविधियां, ऑप्शन डी सोसाइटी यानी समाज। तो इसका जो राइट आंसर आपके लिए होगा वो होगा ऑप्शन ए करिकुलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होगा ये एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड, यानी विशिष्ट समय में कवर किए जाने वाले विषय के विषयों की रूपरेखा कहा जाता है। इसके भी चार ऑप्शन हैं जिसमें से आपको चुनना है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, ऑप्शन बी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, या ऑप्शन डी। तो इसके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। सो गाइस, होप आपको ये सेशन हेल्पफुल एंड आपकी नॉलेज में आ गया होगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। वीडियो एंड करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एंड बी सेफ़।